जन्नत चाहिए, जलसा भी मनाओ, उलमा की बात पे अमल करो, अपने दामन में उलमा के बयान को ले जाओ, जिंदगी में प्रैक्टिकल शुरू करो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। जब तेरे चलने का तरीका आ जाए, पकने का तरीका आ जाए, सोने का तरीका आ जाए, समझ जाओ जिंदगी में इनकलाब आ गया है। सुन्नत तरीके पे चलोगे, बैठोगे, उठोगे, खाओगे, पियोगे, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में ना कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब। मौजूद सामिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी यक़ाल अफ़लाक़ बतौहीद वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियौ व आदमु बैनल मा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. बारगाह नबी में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए एक बार और पढ़िए अल्लाहु रब्बो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नैनो इबादो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता, ये नबी का जलसा है। यहाँ वही बैठता है जिसे सरकार चाहते हैं। अब कोई आके मेला देखता है, एक बार दाहर की तरफ बाढ़ की तरह आता है, उनके भाग जाता है। जिसको जाना है जाए, जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता, लाठी दिखाकर नहीं बुलाया जाता। अजमल सुल्तानपुरी ने बहुत पहले कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अगर सच्ची बात है तो हाथ को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठाइए, अगर हाथ में आपकी गड़बड़ी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों का हाथ ठीक ठाक है। हमने बड़े बड़े आलिम से सुना है, जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में लकवा नहीं मारता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे तो बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोग मसरूर होकर बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, कुछ लोग पीछे वाले मजबूर होकर बोल रहे हैं। इतना खैरियत से हो, इधर देखिए, इधर इधर इंडिया से आए हैं। आपका चेहरा तो आधार कार्ड की सामने आइए, बार बार भैया।
घबरा रहे हो क्या? जिनका हाथ भी क्या जोर से बोले या रसूल अल्लाह, अगर आपकी आवाज इतनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज बढ़ सकती है तो अपने नबी के नाम पर इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज पगली भिक्का से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको मदीना दिखा दे। आमीन। ये खड़े लड़के हाथ नहीं उठा रहे, इनको काठमांडू भेज दे। तुम लोग उसे आए हो, नहीं तो आ जाएंगे वही हम। बहुत टाइम हो गया है तो तकरीर शुरू करें। ए लगाए, देखिए मुंह भी बांधे हुआ है, कान भी बांधे हुआ है, ना बोले ना सुने। बाबू इधर आ, तकरीर शुरू करें। सब लोग चाह रहे हैं, जरा जल्दी में हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं चाह रहे हैं। माशाल्लाह, ये लड़के सब आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आने का रिकॉर्ड हो रहा। बाबू हेलो, आगे बढ़ रहा थोड़ा बढ़ कर, प्यारे दुलारे सितारे आगे बढ़ रहा, चांद सूरज पप्पू लप्पू आप ही लोग। सब लोग आ रहे हैं। देखिए कहाँ जा रही है, लोगों का अजीब मैंने छोड़ी इधर देखिए, इधर इधर तकरीर शुरू कर। जरा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुख करम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता महि मंगलम, कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजलम, ए दीन बंधु दया निधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, ए जन्म तिथि दोदशर विलुगलम शुभ मंगलम मंगलम, ए आमना बहु मंगलम, ए हलीमा सुधी मंगलम। समझ गए? समझा रहे? सब लोग तैयार हैं? सब लोग, हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, हर जगह हर जलसे में सबसे पहले अपने भाइयों को कलमा पढ़ाता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्के नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे मुताले के मुताबिक 992 धर्म के मानने वाले लोग, कितने धर्म के? 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले अपनी अपने भाषाओं में अपने धर्म का मंत्र पढ़ते हैं। हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपने धर्म का मंत्र पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत पहले पंडित जी ने पढ़ा कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलोतम सोनम चंदी मधुरम उदरम लो हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। एक हिंदू पंडित से मैंने पूछा, पंडित जी तकरीर अभी होगी, आपको मैं तकरीर सुनने के लायक बना रहा हूँ। क्या जुमला है? वाह,
बहुत खूब जुमला, वाह बहुत अच्छा, वाह अल्लाह का वाह वाह। अभी मुझसे पहले शायर अहले सुन्नत अंजलि पे गुलशन रिसालत हजरत अजमत रजा भागलपुरी ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी और आपसे सुनाने का वादा किया। वाकई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर पढ़ते हैं और आप लोग घूम घूम अनेक के जरिए इनको पूरी दुनिया के लोग पढ़े लिखे स्टेजों पे पढ़ते हैं, बड़े बड़े आलिमों के बीच में पढ़ते हैं, सराहे जाते हैं, यही है उनकी काबिलियत। वक्त की जरूरत पर अपना वक्त की जरूरत को वही सब रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी नात आपने सुनी है और मेरे बाप भी सुनेंगे, शायर इस्लाम सागर पूरी से भी आपने सुना, नसीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना रफी अख्तर साहब से अच्छी अनाउंसरी अच्छे अशार आप लाइजा कर रहे हैं, सदर जलसा हजरत मौलाना शाहजहां साहब सुनिए, जिनकी शरारत में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवा रवा है। एक तरफ फायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल रजाक साहब की मिला, दूसरी जानिब हजरत मौलाना तमीजुद्दीन साहब को मिला, जिन्होंने बड़ी मेहनत की आज के जलसे को सजाने रचाने में, इन्होंने हमसे रब्ता किया और मैं आप तक पहुंचा, बात हो गई और क्या है? हम जो अभी संस्कृत पढ़े उसका मतलब सुना लें, सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा मुस्कुरा के बोल लो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस एक मिनट में, हाँ मैं बोल रहा था कि पंडित जी से हमने पूछा, पंडित जी हमारे धर्म का एक मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे मजहब का कलमा है, अगर इसको कोई इंसान न पढ़े तो मुसलमान नहीं, अगर इसको न पढ़े तो जन्नत में नहीं जा सकता, इसको ना पढ़े कलमा को वो मुसलमान नहीं हो सकता। आपके धर्म में भी कोई मंत्र है जिसको ना पढ़े तो वो हिंदू नहीं हो सकता? पंडित जी से मैंने पूछा तो पंडित जी ने कहा हाँ है, हमने कहा क्या है, कायकम मतलब सुनाएंगे, घबराना नहीं, इतना संस्कृत पढ़ता हूं मैं उसको सुनाता हूं, अब एक तरफ उसका मतलब मैं सुनाऊंगा, ये उनके धर्म का मंत्र है, उनके मजहब का कलमा है, उसका भी मतलब सुनाऊंगा, लेकिन अभी हमने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है, खत्म हो जाता है, गुनाह मिट जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है, क्या होता है जोर से बोलिए, क्या होता है? गुनाह मिट जाता है, पाप धुल जाता है। ला इलाहा बापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम मोहम्मद, ए संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं कितने लोग राहत से आईना में देखे हैं, जन्नत में जाएंगे नमाज ऐसा पढ़े हैं, नमाज के नाम में नमाज कौन पढ़ेगा, जन्नत में कौन जाएगा, बोले हम भी जाए
आसानी से जन्नत आसानी से मिलेगी, आसानी से जलसा में बैठने से जन्नत मिलेगी, जलसा में बैठने से टुकुर बैठने से जन्नत मिलेगी, जलसा में आने से जन्नत नहीं मिलेगी सर। सवाब मिल सकता है, सवाब मिलेगा अगर आप ये समझ के आ रहे हैं कि जलसे में जाएंगे और जन्नत लेके चले जाएंगे। आसानी से जन्नत मिलने वाली नहीं है जी। जलसा कीजिए और नमाज भी शुरू कीजिए। रात भर जलसा सुनते हैं, 3 बजे तक जलसा, 4 बजे तक चले। कितने बजे होती है आपके यहाँ? कितने बजे? हमारे यहाँ 5:15 होती है। आपके यहाँ 4 बजे? 3:30 बजे तक जलसा, 4 बजे लग तो। यही है जलसा, यही है भाई। रात भर जलसा सुनिए। अच्छा, 4 बजे तक तकिया लगाए, 10 बजे उठिए, 10 बजे सोचो, इसे जन्नत मिलेगी। पागल इसलिए होश में आइए। ₹1,00,000 जलसे में खत्म खर्च होते हैं। कितनी मेहनत से जलसे किए जाते हैं, ₹1,00,000 खर्च होते हैं। रिजल्ट कैसे वो ₹1,00,000 खर्चा करते हैं शादी ₹5,00,000 खर्च करके कोई लड़की की शादी करते, उसको रिजल्ट आता है ना कि शादी हुई है? इसमें ₹2,00,000 खर्च हुआ कर। वाह वाह, हमको बताइए रात भर चकचकी बात क्या हंसी आती है? हम आसानी आए होश में आइए, होश में। अगर जन्नत चाहिए जलसा भी मनाओ, उलमा की बात पे अमल करो, अपने दामन में उलमा के बयान को ले जाओ, जिंदगी में प्रैक्टिकल शुरू करो, जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। जब तेरे चलने का तरीका आ जाए, बैठने का तरीका आ जाए, सोने का तरीका आ जाए, समझो जिंदगी में इंकलाब आ गया है। सुन्नत तरीके पे चलोगे, बैठोगे, उठोगे, खाओगे, पियोगे, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में मैं कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत। कितने जलसा सुने आज तक बताइए तो? बहुत सुने। नाखून काटने आता है? बिल्कुल सही। वाह वाह, कहाँ से इलाज करें हम? आम में थोड़ा सा, पूरा आम में सर गया, क्या करें हम, किधर क्या करें? इसलिए सुनिए, 2-4 बातें हम सुनाएंगे, ज्यादा लंबी गुफ्तगू करने नहीं आए हैं। हमें तकलीफ हो रही है जब ये कौम का पैसा हवा में उड़ जाता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता। कितने पैसे जलसे में खर्च होंगे? 2,00,000-3,00,000। एक भी नमाजी नहीं बनता है जलसे, बिल्कुल बराबर, एक भी जलसे से नमाजी बनते हैं। ये ₹3,00,000 किसी गरीब को दे दो, गरीब को दे के बेटी की शादी कर लो, नमाजी बन जाओ, वो जिंदगी भर नमाजी बन जाओ और वो नमाजी भी हो जाएगा। जलसा बनाने वाले, जलसा सजाओ, 2,00,000 खर्च करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कमेटी ऐसी बनाओ पगली भिंडा में जिसमें पैसा जमा करके जलसा भी बनाओ,
गरीब की बेटी की शादी भी कराओ। वाह बाबा जिला बाबा बहुत मदद। वाह बाबा वाह बेशक खाने ला। आइए पहले संस्कृत सुनिए। आप संस्कृत का मतलब मन में है तो जन्नत में रहेगा, मन ठंडा हो गया जन्नत आसानी से मिलेगी नहीं। मैदान कयामत में एक आदमी होगा जिसको बड़ी आसानी से जन्नत मिल जाएगी। समझ गया ये हमारी माता बना घर में बरकत का बना अच्छी शादी हो जाए खुशी से। आप लोग भी आ सकते हैं ये पैसा हम भी तो आपके लिए भी दुआ करें। लॉकडाउन के बाद दुआ कबूल होती है फिर लॉकडाउन तो मैं बता रहा था मैदान कयामत में एक आदमी होगा जिसका अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का हो जाएगा। कहाँ जाने का? कहाँ जाने का? जहन्नम में जाने का अंतिम फैसला। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम। तमाम तरीके से नापा तोला जाएगा उठ बस जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में ले जाओ। आगे लेके जाएगा परिस्थित मुझे कहाँ ले जा रहे हो जानना भी काम ऐसा बोले क्या बोले हम जहन्नमी है जहन्नम में जाएंगे लेकिन थोड़ा दिखा दो ना अल्लाह को वो मकान जन्नत कैसा है। सुभान और जोर से बोलिए सुभान। हमने जन्नत का नाम बहुत सुना है दुनिया में थोड़ा दिखा दो वो जन्नत अल्लाह का कैसा मकान है। और इसका बोलेगा चुपचाप जहन्नम थोड़ा सा दिखा दो थोड़ा सा। और इसका बोलेगा वो जन्नत है वो इंसान कहेगा थोड़ा सा और करीब से करो बोले ये जन्नत है। पैसा लेने की उम्र में लेने आया है बच्चों ध्यान से मत देंगे बच्चों से कष्ट नहीं लगे पैसे लेने की उम्र है ना कलेजा पे हाथ रख के हमको दे रहा है पचास ये हमको मिल जाता तो हम बैलून खरीद लेते। सुनिए अल्लाह पर फरिश्ता कहेगा चल जहन्नम में तो बंदा कहेगा हमको दिखा ही दो थोड़ा सा और करीब बोलिए थोड़ा और करीब बोलिए बोलेगा फरिश्ता एक काम करो हमें थोड़ा सा जन्नत में जाने दो फिर निकल जाएंगे तुम जहां मर्जी ले जाओ। फरिश्ता बोलेगा अच्छा नहीं फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला देखो तेरा बंदा क्या कह रहा है। अल्लाह फरमाएगा जाने दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ता जाने देगा जन्नत में चला जाएगा फरिश्ता बाहर में खड़ा है इंतजार कर रहा है निकले कि हम जहन्नम में ले जाए लेकिन वो अंदर से निकल ही नहीं जाए। फरिश्ता बोलेगा निकला बोलेगा नहीं निकलेंगे बोले तुम कह रहा था निकल जाएंगे नहीं निकलेंगे अंदर से बंदा कहेगा कि तुम अपनी मर्जी से लाया तुम जिसकी मर्जी से लाया पूछ ले जिसका मकान है उससे पूछ अगर वो कह देगा तो हम निकलने को तैयार। फरिश्ता कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा जन्नत में चला गया निकल ही नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। पंडित जी ने कहा बाबन
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप भर लिया जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई चपो नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मदम। तो गुरु नानक जी ने कहा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबो। इसलिए तो मैं पढ़ता हूँ, एक नाथ पढ़ता हूँ हर जगह, हर दम क्यों तैयार हो, बोलिए ना हो, जिंदाबाद। 12-13 साल से इस नाथ को हम पढ़ रहे हैं, हर जलसे में लोग कहते हैं पढ़िए, लेकिन हम पढ़ेंगे। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, कहाँ ऊपर बाद में कब्र का अंजाम सोच लीजिए क्या होगा। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोजे असल में कौन किए थे जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके सब काम, तो पीर पयंबर आए हैं, अरे पीर पयंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से। सुभान सुनिए, हिंदू धर्म की किताबें, उनकी किताब से दावा किया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। उनकी किताब में लिखा है, यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मान। मतलब सुनाने जा रहा हूं ईमानदारी से, सारे लोग मचल के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे हैं आप, आपकी समाज बड़ी अच्छी है, आप सुनते बहुत अच्छा। चाचा हेलो, जा रहे हैं क्या? ये जाने वाले को कौन रोका है? जिसका टाइम हो जाएगा वो है, वक्त से पहले कोई गया? जिसका टाइम हो जाएगा चला जाएगा, दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए। जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा। हमारी माँ बहने बहुत ज्यादा तादाद में जलसा सुनी, जलसा में जन्नत तलाश ले, क्या लेना है ये उसको समझाइए। जलसा में जन्नत नहीं है, जन्नत तुम्हारे शौहर की वफादारी में है। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती जी, चुगली में पूरे इंडिया का ट्रेंड है। बाप बाप में झगड़ा है, अभी यहां भी है, यहाँ भी झगड़ा चल रहा है, थोड़ा कुछ भी हो रहा है। तो औरत का झगड़ा होने लगे ना, आप बगल में खड़े हो चुपचाप साइड से, तो हम ये गुस्सा ही ना, एक मिनट में 7 खानदान को खा जाएंगे। इतनी स्पीड सलाम चलती है इसकी, पूरे बाबा दादा सबको खा जाएगी। हैं मामूली मामूली बात पे झगड़ा करती है। सुनो, जब से मैं आई हूँ ना,
कुछ लेके जाना आज, पूरी तकरीर सुनो आज। तुम आई हो, तुमको जलसे में आना नहीं था, तुम्हारा जलसा तुम्हारे घर में है। तुम्हारा जलसा तुम्हारे घर में, लेकिन आ गई यहाँ, हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रही हो, क्या हो रहा है? वाह, इनसे पूछिए, कुछ पागल है इसमें पागल, कुछ जलसे में आती है, कुछ रोड पे घूमती, इतना मस्कन फरिश्ता, हिसाब किताब लग जाएगा तुम्हारा। इसलिए जलसे में आना बंद करो, अगर आती हो तो पर्दे में रहो, पर्दे में बैठ के तकरीर सुनो। और जलसे वालों से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हें इनको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बुलाते हैं तो इसे पर्दा लगाइए, अंदर में बैठाइए, ताकि आप भी गुनाह से बचिए, ये भी गुनाह से बचे, वरना मैदान कयामत में आपसे पूछ लिया जाएगा कि तुमने औरतों मर्दों को बुलाया, खर्च बर्च का मामला किया, तुम्हारी वजह से गुनाह जन्म ली। वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, वरना आपसे भी पूछ लिया जाएगा। सुनिए, झगड़ा एक दो औरत का झगड़ा हो रहा था, झगड़ा मामूली बात में, सिर्फ इस मेटर में एक बोल रही थी दूध है और दूसरी बोल रही थी गुमराह, झगड़ा एकदम टन गया। इतने में बूढ़े चचा टोपी पहन के आ रहे, चलो चलो चचा से फैसला करवाते। चाचा बोले कि तुम लोग दूध गुमराह जो कर रहे हो, हम ही पागल है जुमा पर क्या है? ये मामूली मामूली पे बात पे झगड़ा करती है, झगड़ा करना बंद कीजिए। आप लोगों से गुजारिश है, चार बातों पे अमल करो, नमाज शुरू करो, चुगली बंद करो, बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, शौहर के वफादार बन जाओ। इन चार बातों पे अमल हो गया तो न जलसे में जाने की जरूरत, न मिलाद में जाने की जरूरत। हम यकीन के साथ कहते हैं, इन चारों बातों पे अमल करना, कलीजे फातिमा बन के जन्नती हो जाओ। अच्छी बात हो रही है तो आप उठाइए, कितने लोग को अच्छी लग रही है हमारे। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपको जगाया, आपके मिजाज की तफरी कराया, कलमा पढ़ाया, तकरीर शुरू करता हूँ। हिंदू धर्म में चार किताब, कितनी किताब, कितनी किताब, कितनी? ए जूता वाला, अपना है कि दूसरे का? नहीं, जूता लेके घूम रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कुर्सी वाले लोग भी बड़े अच्छे हैं, ये लोग बहुत सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, आप लोग आप लोग भी एक बार बोलिए तो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए तो, जोर से बोलिए, सब लोग यहाँ से लेके वहां तक, सारे लोग आगे लगे बोले सुभान अल्लाह। कितनी किताबें हैं? हिंदू धर्म में चार, इस्लाम धर्म में समझेगा नहीं बच्चा, यहाँ से क्या करेगा समझ में, अगर कुछ भी नहीं मालूम हमारे को, खाली नारा लगाएगा खाजा का दामन तुमको जमीन चले जाएगा। मैं गौ से पाक का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं गौ से पाक का गुलाम हूँ, राजा पाक का गुलाम, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, न गौस का दामन का नारा लगाने से तुमको जन्नत मिलेगी, न ख्वाजा पाक के नारा लगाने से तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर जन्नत चाहिए, जिसको फारसी के विद्वान ने कहा था, रोजे महसल के जाकर अव्वली कोशिश नमाज, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ख्वाजा पाक का तुमने नारा लगाया था कि नहीं? ओ जैकेट वाले बैठ जाओ भाई, कुछ होने को। कितनी किताबें?
और इस्लाम धर्म में कितनी? इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, अब हो गया ना। अब कोई पूछेगा कि इस्लाम में कितनी किताब है, तो क्या बताओ जी? क्या कितना बताओ तुम? सीखना चाहिए। सहायक अल्लाह की जानी से बहुत आए, लेकिन मशहूर चार ही किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। हिंदू धर्म में चार किताब, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण। इतने पुराण को हमने देखा है बनारस की लाइब्रेरी में, इसको पढ़िएगा तो जवाब मिलेगा। अग्रान हेतु कृतमदम नकर्षम विदायम तदुदि इंद्रम मित्रम रूरवं कृतवानवं आत्मा प्रावे शांति परराशा भूति मपो संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य हे गणपति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानम सुभज्ये सुनिए उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम ऐ संसार में रहने वाले लोगों अगर तुम कामयाबी चाहते कामयाबी हम सब कामयाबी चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कामयाब हो जाए सुभान अल्लाह सब लोग चाहते हैं तो लीजिए पंडित जी क्या कहते हैं आप कैसे कामयाब होंगे उनकी किताब से सुनिए कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा मिजाज गदगद हो जाएगा मिजाज आपका हरा हो जाएगा आपका कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा जरा जरा से बोलिए ना सुभान अल्लाह उनकी किताब कहते हैं लोगों कामयाब होना चाहते हो ना अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद नकार संविधायन को जुड़ी कोई दूसरा रास्ता नहीं है एक ही रास्ता है कल्कि अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता सोशल रिफॉर्मर यानी हम गुलामों के आका सुभान अल्लाह कहते कल्कि अवतार के ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो सुभान अल्लाह जिसका सीधा साधा ये है कि नबी के सीरत को नबी की सीरत को अपना सुनिए कहते उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो नबी की सीरत को अपना लो हम एक तरफ हिंदू धर्म की किताब कहती है और हमारा कुरान क्या कहता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है उनकी किताब कहते कल की अवतार के ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दो हमारा कुरान कहता है नबी पाक की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मजीद को रखिए और प्यारे मुस्तफा की सीरत को अपनाते जाइए हमने पंडित जी के सवाल पंडित जी के मंत्र से सवाल के नबी की सीरत को अपनाने के बाद काम हो जाएगा बोले जन्नत मिल जाएगी बोले हाँ मिल जाएगी हमने कहा कुछ और करना पड़ेगा बोले हाँ हमने कहा क्या करना होगा कहा इंदरम मित्रम रूरवम दुर्गवान अभी मैंने मंत्र पढ़ा था ना उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ उनकी किताब कहते इंदरम मित्रम रूरवम दुर्गवान कहा उनके मित्रों से दोस्ती दोस्ती करो कौन है अल्लाह का मित्र कौन है मालूम है वो से पाक है खाजा पाक है ताजु शरीया है सुभान अल्लाह आला हजरत है मखदूम सिमना है जो अल्लाह के वली है वही अल्लाह के तो कहते इंदर मित्र उनके मित्रों से दोस्ती करो जब उनसे दोस्ती करोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा अच्छा एक बात होता है इसमें कितने लोग मुरीद है अगर हाथ है जो मुरीद है वही मुरीद है ना अच्छा एक बात होता है इतमान से सुनिए जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने क्या कहा था बेटा नमाज पढ़ते रहना कहा था कि नहीं
तो पता क्या चलता है कि जब अल्लाह के वली से दोस्ती होती है तो वो मस्जिद का रास्ता दिखाते हैं, सुभान अल्लाह। और उनकी किताब कहती है कि तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा मस्जिद का रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? कहा अंध आत्मा परेशान, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब अल्लाह के घर में जाओगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। हमारा कुरान क्या कहता है? दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करता है। जब आदमी खुदा का जिक्र करता है पीछे वाला ये मोहल्ला नेटवर्क में है क्या? आप लोग टावर में हो? टावर में काम कर रहे? हाथ उठा के बताइए तो कितने लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है? सुभान अल्लाह, ये कादरी नेटवर्क है जो कभी फेल नहीं होता। जाने दीजिए, अगर कोई जाए इमरजेंसी में तो जाने देना चाहिए, आप हमारी तरफ मत काटिए। इसलिए कि एक जलसे में एक आदमी जा रहा था तो मौलाना उसको जबरदस्ती वो आदमी उठता था तो मौलाना बैठ गया, थोड़ी देर में फिर उठा बैठ। मौलाना की तकलीफ खत्म हो गई, कहा जाओ खान नहीं जाएंगे। अरे तुम जा रहा था, खान नहीं जाएंगे। अरे जा रहा था पीना, बोला नहीं जाएंगे। धक्का है, इस काम के लिए जा रहे थे यही। अगर ऐसी बात है तो चाहिए, लेकिन अपने साथ दूसरों को मत ले जाइए। ओ भैया मास्क वाले, सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूँ। अभी तो पूरा संस्कृत बाकी है साहब, घबरा क्यों रहे हैं? अभी तकरीर होगी हमारी, घबरा क्यों रहे? पैगाम का जो शरिया है, सुभान अल्लाह। कहते तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी, पर आशा बोधी बाबा, जब तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी तो स्वर्गीय वासी हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा। संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। वाह वाह जो है आपकी तो रही है, आप लोगों की तवज्जो है, जरा कितने लोगों की तवज्जो है जरा दिखाइए। देखिए कोई नहीं जाए भाई, जबरदस्ती मत उठ के जाइए, शैतान आप पे हावी हो गया है। आपको कह रहा है चलो क्या कर, घर में भी जाएगा जाइएगा तो नींद आपको आएगी नहीं। जहाँ फजर का वक्त होगा तभी नींद आएगी, उससे पहले नींद आए भी नहीं करेगी, शैतान आपको जगा के रखेगा। और जब फजर का वक्त आएगा तो बोलेगा बाबू सो जाओ, पैर दबा देना। अच्छा सुनिए, अभी मैंने पढ़ा संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। तवज्जो से, बेदारी से, तैयारी से सुनते जाइए, मचलते जाइए। नबी की मोहब्बत में एक बार हाथ उठा के जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिन जिन लोगों ने अभी अभी हाथ उठाया है सबको करोड़पति बना दे। 10-20 लोग नहीं उठाए तो पछता रहे। आप लोगों ने हाथ उठाया, आपने कहा करोड़पति बना दे, आप लोग बोले इधर से बोले आमीन।